हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पुट्टी डो। और उसके लिए हमें चाहिए वॉल पुट्टी। आप किसी भी ब्रांड का वॉल पुट्टी ले सकते हैं, और जितने अमाउंट आप पुट्टी के लेते हैं उतना ही अमाउंट आपको उसमें वाटर ऐड करना है। तो यहाँ हमने 7 स्पून वॉल पुट्टी ली और 7 स्पून वाटर ऐड किया उसमें। तो यहाँ पहले मैंने कम वाटर ऐड किया है, क्योंकि एकदम ज़्यादा पानी ऐड करने से हो सकता है कि डो लूज़ हो जाए। उसके बाद हमने दोबारा थोड़ा और पानी ऐड किया, और अब हम इसको स्पून के हेल्प से मिक्स करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपका डो लूज़ हो जाए तो आप वॉल पुट्टी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका डो आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर ड्राई लग रहा है तो भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अपने हाथ के हेल्प से मिक्स करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह का डो इससे हमें चाहिए, एकदम सॉफ्ट और ऐसा जो हाथ से न चिपके आगे जाकर। हालांकि ये पुट्टी है तो थोड़ा बहुत तो हाथ से चिपकेगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, और जब हमें लगे कि अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी, तो उसके बाद जो डो बाउल पर लगा हुआ है उसको स्पून के हेल्प से क्लीन कर लेंगे, और जितना हो सके उसको छुटाकर अपने डो के साथ ऐड कर देंगे। और इस प्रोसेस के बाद फ्रेंड्स, हम अपने हैंड्स क्लीन करके अपने हैंड्स पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। और ऑयल लेने के बाद जिस तरह से मैं अब इसको मिक्स करूँगी, आप देखिएगा, इसको हमें वैसे मिक्स करते जाना है। एंड अगेन डबल कर करके इसको हम जैसे बाती बनाते हैं रुई की दीपावली के टाइम पर दीपक में डालने के लिए, उस तरह से जब हम कॉटन को रब करते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही हमें इसे रब करते जाना है। लेकिन हमें वापस इसको डबल फोल्ड करके फिर से वही प्रोसेस करना है, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे फ्रेंड्स जब तक कि जो डो है जब नीचे जाए तो टूटकर नीचे ना गिरे, एकदम से टूटकर ना गिरे। जैसे कि अभी ये बहुत छोटी हाइट तक ही बढ़ रहा है, तो जब एक अच्छा सा लॉन्ग सा रोप टाइप का इससे बन जाए और ये नहीं टूटे, तब हमें समझेंगे कि हमारा जो डो है वो अच्छे से नीड हो चुका है। जैसे अभी ये टूटा, अब आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये नहीं टूटेगा, इसका मतलब हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से एक डो बॉल बनाकर रख देंगे, और फिर हम इसको गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हम वॉल पुट्टी डो को कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब भी हमें अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसके 10-15 मिनट पहले ही हमें ये डो तैयार करना है, और उसके बाद फ्लोर पर थोड़ा सा पाउडर या फिर आप वॉल पुट्टी भी ऐड कर सकते हैं, उसका छिड़काव हम करेंगे। और उसके बाद रोलर के हेल्प से इस तरह से हम इसकी रोटियां या पूड़ियां आप कह सकते हैं बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम कोई भी शेप कट करके या स्टोव के साथ किसी भी तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ वॉल पुट्टी डो के जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे उनके वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वॉल पुट्टी डो बनाने का वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर ये मैं वॉल पुट्टी डो से कुछ बीड्स बनाई थी फ्रेंड्स। इस तरह आप रोल करें उसको और किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट से बीच में होल कर लें। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप वॉल पुट्टी डो के साथ बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अपने न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि किस तरह हम वॉल पुट्टी डो के हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुल से होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।